राहुल गांधी के मौजूदा गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन, वलसाड, नवसारी और सूरत में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गुरुवार को वापी के एक होटल में खाना खाने पहुंचे राहुल गांधी, काठियावाड़ी खाने का उठाया लुत्फ। एक बार फिर दिखी युवाओं के बीच राहुल की बढ़ती लोकप्रियता, होटल में युवाओं ने खिंचाई सेल्फी। जीएसटी को लेकर राहुल ने फिर पीएम को घेरा, कहा ढेर सारी बातें बोलते हैं प्रधानमंत्री लेकिन गंबर सिंह टैक्स के बारे में नहीं बोलते एक भी शब्द। मगर नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के बारे में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से। राजधानी दिल्ली में आज होगा वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का आगाज, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फूड फेस्टिवल में 1100 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होगी कोशिश, मशहूर शेफ संजीव कपूर लेंगे हिस्सा। आज तक के ऑपरेशन धर्मांतरण पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तोड़ी चुप्पी, खास बातचीत में कहा पीएफआई पर दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। जम्मू कश्मीर में वार्ताकार पर आज तक से बोले राजनाथ सिंह, वार्ताकार को पक्षकार चुनने के लिए खुला हाथ। हम लोगों ने जो भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तय किया है या उसके ऊपर छोड़ दिया है कि आप ये तय करोगे कि किससे बात करना क्या करना। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या, हाल ही में शोपिया का यूथ प्रेसिडेंट बना था गौहर अहमद, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जताया दुख। सरहद पर नापाक फायरिंग का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के शकरगढ़ तहसील में पाक रेंजर के 3 बंकर ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, 2 जवान हुए शहीद। मॉरिशस में योगी के सामने लगे जय श्री राम के नारे, अप्रवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी। आज जयपुर के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, टीआरएसएस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक में बवाल, आपस में भिड़े अमानतुल्ला और कुमार विश्वास के समर्थक। दिल्ली में अधिकारों के जंग में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा पहली नजर में एलजी ही दिल्ली के बॉस, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। हिमाचल चुनाव पर आज शिमला में सजेगा आज तक का महामंच, हिमाचल प्रदेश पंचायत में जुटेंगे प्रदेश की राजनीति के दिग्गज। हिमाचल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार में झोंकेंगे ताकत, जयसिंहपुर और गगरेट में रैलियों को करेंगे संबोधित। 8 नवंबर को नोटबंदी के 1 साल पर विरोध दिवस मनाएगी कांग्रेस, कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर बनाएंगे मानव श्रृंखला। आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, गुरुवार को सुनवाई के लिए राजी हुआ था सर्वोच्च अदालत। सुनारिया जेल में राम रहीम से वकील गुरदास सिंह ने की मुलाकात, दोनों के बीच 1 घंटे तक हुई बातचीत। सिरसा में फिर तेज हुई हलचल, कोर्ट कमिश्नर AKS पवार ने ली अधिकारियों की मीटिंग, फिर से हो सकती है डेरे की तलाशी। मेरठ के चर्चित एडवोकेट रविंद्र पाल सिंह की हत्या में सजा का ऐलान, माफिया सरगना बदन सिंह बद्दो को आजीवन कारावास। बद्दो पर मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान समेत 38 मुकदमे दर्ज, 1996 में की थी रविंद्र पाल सिंह की हत्या। पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नोएडा में परिवहन विभाग ने उठाया कदम, बिना पार्किंग स्थल नहीं होगा वाहनों का पंजीकरण। नोएडा में ट्रैफिक का नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, उल्लंघन पर हमेशा के लिए रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। राजस्थान ATS के SP विकास कुमार को मिला सत्येंद्र दुबे पुरस्कार, IIT कानपुर ने किया सम्मानित।